अगर हम हेयर फॉल की बात करें तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है हमारे हेयर रूट का वीक होना। जब आपके हेयर रूट वीक हो जाते हैं तो आपके बाल टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में चल के आपको हेयर फॉल की समस्या होनी स्टार्ट हो जाती है। आपके बालों की जड़ों का जो कमज़ोर होना ही आपके बालों की ग्रोथ को रोक देती है, इसलिए बालों की जड़ों को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है बालों को लंबा करने के लिए, बालों को मोटा करने के लिए। अगर आप चाहती हैं आपके बाल लंबे हो मोटे हो तो आपको हेयर फॉल को रोकनी है, बालों की जड़ों को मजबूत करनी है जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो पाए। अगर आपके बाल गुच्छों में निकल रहे हैं, बाल बहुत ही रूखे सूखे हैं, तो आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, अगर इसको अपने बालों पर आप अप्लाई करेंगे केवल हफ्ते में एक बार, तो आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बालों का टूटना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, बाल स्ट्रोंग होंगे, बिल्कुल रस्सी के जैसे आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, बाल बहुत ही फास्ट ग्रो होंगे, आपके बाल जो झड़ गए हैं वहाँ पे नए बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बिना स्किप के लास्ट तक देखें जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ यह आपके बालों को जड़ों को मजबूत करने के साथ ही आपके सफ़ेद बालों को ब्लैक करने का भी काम करती है। इसलिए जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, चाहते हैं बालों को ब्लैक करना, तो आज की रेमेडी आपके बालों पर बहुत ही अच्छी फ़ायदे देखने को मिलेंगे, बहुत ही कारगर है आपके बालों को जो सफ़ेद बाल हो गए हैं उसे ब्लैक करने के लिए बिना किसी डाई के, बिना किसी मेहंदी के। तो आज की मेजिकल रेमेडी में हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे आंवला, जो कि हमारे बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। यह बालों को काला करने के साथ ही आपके बालों को मजबूत करती है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है जो कि आपके बालों को रिपेयर करती है, दो मेह बालों की समस्या को दूर करती है, आपके बालों की जड़ों को मजबूत करती है, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करती है, बाल जो आपके सफ़ेद हो रहे हैं उसे ब्लैक करने में हेल्प करती है। इसलिए आपको यहाँ पर लेना है आंवला पाउडर। फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है सिकाकाई, जैसा कि सभी लोग जानते हैं ये कितना फ़ायदेमंद है। ये आपके बालों में क्लिंजर का काम करती है, यानी आपके स्कैल्प को हेल्थी करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी होती हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके स्कैल्प को क्लीन करने के साथ ही, आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के साथ ही आपके बालों को मजबूत करती है, बालों में एक चमक लेकर आती है। बाल अगर आपके बहुत ही रूखे सूखे हैं, बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप अपने बालों में यूज करती हैं पर इससे आपके बाल को कोई भी फायदा नहीं होता है, तो सिकाकाई जो होती है हमारे बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। फिर आपको तीसरी यहाँ पे चीज़ लेनी है रीठा, ये भी हमारे बालों के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि आंवला और सिकाकाई। और ये तीनों चीज़ों को जब हम एक साथ अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे बालों पे एक मैजिक की तरह काम करती है। जी हाँ, आपके बालों में अगर कोई भी समस्या हो, अगर इसका आप अपने बालों पे इस्तेमाल करेंगी तो आपके बालों की हर समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, क्योंकि इनमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं, यानी हमारे बालों को लंबा करने के लिए आपके बालों में जो भी चीज़ें चाहिए इनमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं हमारे बालों के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए और इसके साथ ही आपके पतले बालों को मोटा करने के लिए। इन तीनों चीज़ों में भरपूर मात्रा में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि हमारे बाल ग्रो हो पाए, बाल आपके हेल्थी हो, स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए तीनों चीज़ें हमारे बालों पर मैजिक की तरह काम करती है। तो आपको एक कटोरी लेनी है और यहाँ पे आपको मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ कि कैसे आपको इसे बनाना है। इससे पहले मैंने इसके बेनिफिट बताए हैं जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो कि यह हमारे बालों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, चाहे हम इसे क्यों अपने बालों के लिए यूज करें, किस लिए करें। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया कि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो और आप बिना किसी डाउट के इसे अपने बालों पर लगा के अपने बालों की ग्रोथ को अच्छी कर पाए, हेयरफॉल को रोक पाए, ग्रे हेयर को कवर कर पाए। तो आपको यहाँ पर तीनों यहाँ पे पाउडर लेना है आपको इक्वल क्वांटिटी में। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं अपने बालों के हिसाब से ले रही हूँ, अगर आपके बाल छोटे हैं या लंबे हैं तो आप यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने दो दो चम्मच करके यहाँ पे सारी चीज़ों को लिया है और अच्छे से आपको इसे मिला देना है। फिर इसमें हम डालेंगे यहाँ पर कोकोनट ऑयल, आपको यहाँ पर एक चम्मच करीब कोकोनट ऑयल डालना है और आपको इसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपने बालों पे कोई भी मास्क को अप्लाई करते हैं यानी पैक लगाते हैं तो इससे हमारे बाल हल्के ड्राई हो जाते हैं और हमारे बालों में टेंगल आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर चाहते हैं आपके बालों में रूखापन ना आए तो आप इसमें कोकोनट ऑयल डालें एक चम्मच के करीब,
चाहें तो आप यहाँ पे बादाम का ऑयल भी ले सकती हैं। अच्छे से आपको इसे मिलाना है, हल्का आपको इसमें पानी डालना है जिससे कि एक अच्छा सा एक मास्क बनकर रेडी हो जाए। आपको इसे ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे गाढ़ा करना है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से इस पैक को बनाना है जिससे कि आपके बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाए। मैंने यहाँ पे केवल हेयर रूट के लिए यहाँ पे बनाया है। अगर आप चाहती हैं पूरे बालों पे लगाना यानी हेयर लेंथ पे लगाना तो आप इसमें दही डाल सकती हैं। मुझे केवल स्कैल्प पे लगाना था इसलिए मैंने यहाँ पर पानी का यूज किया है। आप यहाँ पर दही भी ले सकती हैं इस पैक को बनाने के लिए। बस आपको अपने बालों पर यानी क्लीन हेयर पर इसे अप्लाई करना है। आपको पहले अपने बालों पर कॉम्ब करनी है, फिर इस पैक को अपने बालों पे लगाना है और एक घंटे के लिए इसे लगा के अपने बालों पे छोड़ देना है और एक घंटे के बाद अपने बालों को अच्छे से आपको धो लेना है। तो ये थी आपके हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे मैजिकल हेयर ग्रोथ रेमेडी। आपको केवल 1 वीक में आपको 1 टाइम इसे अपने बालों पे अप्लाई करना है। आप देखेंगी केवल 2 या 3 बार इसे लगाने से आपके हेयर फॉल बिल्कुल 0 होंगी, बालों में बहुत ही अच्छी फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और जिनको वाइट हेयर की समस्या है तो आप यहाँ पर 2 घंटे के लिए इसे लगा के छोड़ें जिससे कि आपके जो बाल वाइट हैं वो कवर हो जाएँ। और जिनके बाल वाइट नहीं हैं, बालों को मजबूत करना है, तो आप केवल 1 घंटे के लिए इसे लगाएँ। तो बस आप भी इस रेमेडी को यूज करके अपने हेयर फॉल को रोक सकती हैं, बालों को मजबूत करके बालों की लंबाई और बालों की मोटाई बढ़ा सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।